रुक सर, रुक सर। रुक सर, क्या आपने भी वो आवाजें सुनी? आप यहां तो वो घुंघरू की आवाज, हमें लगा कि आप प्रैक्टिस कर रही हैं। नवाब साहब, वो घुंघरू की आवाज आ रही है। हाँ, मैंने भी सुनी, लेकिन कहां से आ रही है ये नहीं पता। आप आराम कीजिए, मैं देखता हूं। जी शुक्रिया। अंदर कैसे घुस आई? वो सबको मार डालेगी। नसीबा महल, चलो। आइए शफीक अली। ये हवेली हमारी पुश्तैनी है। हमारे परदादा नवाब अली मिर्जा साहब इस हवेली से बहुत प्यार करते थे। किसी जमाने में इसकी महफिलें बहुत मशहूर हुआ करती थी। खैर, कुछ साल पहले हमारे अब्बा हमें दुबई ले गए। हम वहीं पे पले बड़े। हमारा निकाह भी रुखसार के साथ में वहीं हुआ, और हमारा बेटा आदिल वो भी वहीं की पैदाइश है। हमारी बेगम और हम अक्सर इंडिया आने की बातें करते थे। हमारे दादा की डेथ के बाद ये हवेली बंद थी और आदिल भी बड़ा हो रहा था, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना आदिल को कुछ साल इंडिया में बड़ा किया जाए। और इसलिए आप अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने के लिए चले आए। जी, इनफैक्ट हम नवाब हैं और हम यहाँ आना भी चाहते थे। इस हवेली को सड़ने से बचाना चाहते थे, लेकिन जिस रोज हम यहां आए उस रात को कुछ अजीब सी चीजें हुई। यहां सेंट्रल हॉल से कोई घुंघरू की आवाज सुनाई दी। उधर क्या हुआ है ये देखने के लिए हमारा चौकीदार वहां गया, तो उसका कत्ल हो गया। हम सब लोग बहुत परेशान हैं। लोग कहानियां बना रहे हैं और इस शहर के सभी लोग बातें कर रहे हैं कि इस हवेली में कोई बुरा साया है। हमारी बेगम एक पल भी यहां रहना नहीं चाहती। आप प्लीज दोनों इस मिस्ट्री को सॉल्व कीजिए
लेकिन एक सच्चाई हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें पुलिस वालों से कोई उम्मीद नहीं है। कल रात को हमने उन्हें फोन किया तो उन लोगों ने यहाँ आने से साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया जी। अब आप भी बताइए कि हम अपने ये खानदानी महल को कैसे छोड़कर जाएं, कैसे भाग जाएं यहाँ से। उन्होंने कोई वजह बताई यहाँ पे आने से इनकार करने की? विक्रांत जी, अगर वजह पता होती तो हम बता देते आपको। ठीक है शफीक साहब, आप चिंता मत कीजिए, अब हम आ गए तो इस मसले का हल जरूर निकालेंगे। किस सोच में डूब गई मोहतरमा? सोचने वाली बात है। 50 साल से ये हवेली सिर्फ इसलिए बंद पड़ी थी क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे आत्माएं रहती हैं। पहले इंसानों पे शक करें, आत्माएं तो पिछले 50 सालों से यहाँ पर रह ही रही है, वो कहीं नहीं जाएंगी। शायद कोई इस हवेली पे अपना कब्जा जमाने के लिए ये डर फैला रहा है। वैसे भी ये लोग अचानक दुबई से आकर यहाँ पर बस गए। मुझे लगता है मुझे नवाब की फैमिली से बात करनी चाहिए, स्पेशली उसके बच्चे से, शायद वो कुछ जानता है। अकेली फैमिली ये डरी हुई है, बातचीत कर लो, थोड़ी देर तुम उनके साथ रहोगी तो उन्हें महफूज फील होगा। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, कोई लीड मिलेगा तो कॉल करना। अम्मी चलो ना, अम्मी प्लीज इस घर से चलो ना, अम्मी चलो ना। हम चलेंगे यहाँ से, आप अभी अब्बू के पास जाइए, हमें इनसे बात करनी है, हम आते हैं। प्लीज चलो ना अम्मी, यहाँ पर अजीब अजीब आवाजें आती हैं और हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। कैसी आवाजें बेटा और कहाँ से आती है? पता नहीं पर आवाजें आती हैं। आप नवाब से की बातों में मत आइए, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस हवेली में कुछ है, कोई है, बस हम यहां रहना नहीं चाहते, हम इन्हें छोड़ के आते। चौकीदार के बारे में हमें क्या क्या पता है? सर ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन वो लोकल नहीं था, मेरठ से आया था नौकरी ढूंढने। अभी 10 दिन पहले उसे नौकरी पे रखा गया था। अफवाहें सुनकर वह डर गया था, इसलिए रात में हवेली नहीं जाता था, लेकिन नवाब साहब के आने के बाद उसे पहरा देने के लिए हवेली जाना पड़ा और सर उसी रात उसकी मौत हो गई। इसके पहले के 2 खून भी रजिस्टर हुए थे ना, वो भी इसी तरह हुए थे? सर सब पर चाकू से वार हुआ था। कुछ साल पहले किसी चौकीदार को रखने की कोशिश की गई थी और अगले सुबह उसकी लाश मिली, उसके पेट में चाकू घोंपा गया था। कुछ दिन बाद फिर किसी चोर ने अंदर घुसने की कोशिश की और उसकी भी लाश मिली और उसके भी पेट में चाकू घोंपा गया था। और किसी को कोई सुराग नहीं मिला कि कातिल कौन है, और आपने भी छानबीन नहीं की? सर हम लोग यहीं के हैं, उस हवेली की किस्से कहानियाँ सुनकर पले बढ़े हैं। मन में इतना डर बैठ गया है कि हम में से कोई हवेली में रात में नहीं जा सकता। आपको याद है ना आप पुलिस फोर्स में? हाँ सर, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। एक कांस्टेबल हिम्मत करके हवेली के अंदर गया था, लेकिन रात में घुंघरू की आवाज़ सुनकर वो इतना डर गया कि 4 दिनों तक शॉक में रहा था। इसका मतलब जो भी वहाँ पे डराने की कोशिश कर रहा है वो तो कामयाब हो गया, उसने तो पुलिस को ही डरा के रख दिया। फक्र है आपको इस बात का पंकज जायसवाल?
ये चाकू भोंकने के अलावा और भी कोई सिमिलैरिटीज है इन मर्डर्स में? सर, टाइम ऑफ डेथ सबकी एक जैसी है। क्या है? लगभग रात के 12 बजे सबकी मौत हुई। वही सर, पेट में चाकू लगे निशान। ऊंची छत और खाली हवेली, छोटी सी छोटी आवाज पे कोई डर जाएगा यहाँ पे। शायद इसी बात का कोई फायदा उठा रहा है बहुत सालों से। तुम पुलिस स्टेशन से इतना जल्दी कैसे आ गए? अरे वो जयसवाल से ज्यादा तो हम ही जान जाएंगे इस हवेली के बारे में 3-4 चक्कर काटने के बाद। तबला और सारंगी को देख के लग रहा है कि इन्हें आज भी कोई इस्तेमाल करता है। और ये जमीन में फर्क देख रही हो? हाँ, सिर्फ इसी हिस्से में धूल मिट्टी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे यहां पे आके कोई नाचता है। शफीक जी, आज रात को हम आपके हवेली के बाहर ही रुकेंगे। अगर कोई एक्टिविटी होती है तो पता चल जाएगा। Let's hope कि आपकी हवेली का चोर आज रात को ही पकड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, लेकिन आप रुकेंगे कहाँ? उसकी चिंता आप मत कीजिए, बस इत्मीनान रखिए। गुड नाइट। तो क्या लगता है तुम्हें, इन सब के पीछे कौन होगा? कोई इंसान या? पता नहीं, लेकिन आज रात को पता चल ही जाएगा। 12 बजने वाले, अभी तक तो कोई अंदर गया नहीं, तो अंदर चलकर इंतजार करते हैं। ये कैसे हो सकता है? Thank you.
यहाँ पे एक लड़की को नाचते हुए देखा और उसके साथ तीन लोग और भी थे। कहाँ? अंदर? हाँ। अंदर तो कोई भी नहीं है और इतनी जल्दी तो कोई छुप भी नहीं सकता। विक्रांत वो इंसान नहीं थे, वो आत्मा ही थी। आपने कहा था कि आपने बचपन से ही उस नसीबा महल के बारे में किस्से और कहानियां सुनी है। मुझे वो कहानी जाननी है। मैडम, मैंने विक्रांत सर को वो कहानियां नहीं सुनाया क्योंकि उनका मानना है कि हम केस ना सॉल्व करने के लिए उन्हें ये कहानी सुना रहे हैं। देखिए, आप एसीपी विक्रांत सिंघल के बारे में जो सोच रहे हैं वो वैसे बिल्कुल नहीं है। फिलहाल आप मुझे कहानी सुनाइए। अगर इस कहानी का नसीबा महल से कोई संबंध है तो मेरा ये कहानी जानना बहुत जरूरी है। मैडम, ये कोई लगभग 50 साल पुरानी कहानी है। हमारे नवाब साहब के दादाजी अली मिर्जा साहब यहाँ के नवाब हुआ करते थे और उन्हें इश्क हो गया था नसीबा बानो से। ये नसीबा महल आज जो नवाब साहब की कोठी है, एक जमाने में वो कोठा था जिसमें नसीबा बानो नाचा करती थी। अरे, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि आज की तारीख में तुमने उस कोठी के आसपास कुछ अजीब होते हुए देखा है? 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आज वहाँ जो कुछ भी अजीब हो रहा है उसका ताल्लुकात तो 50 साल पहले से है जनाब। नवाब साहब को नसीबा बानो से इश्क हो गया था। नवाब साहब नसीबा से निकाह नहीं कर सकते थे क्योंकि वो तबायब थी, लेकिन नसीबा ने ठान ली थी कि वो उनकी बेगम बन के रहेगी चाहे दूसरी ही सही। लेकिन नवाब साहब ने साफ कह दिया कि कोठे की तबायब उनकी बेगम नहीं बन सकती और वो वहां से चले गए। बाद में नसीबा वो नाचने गाने वाली वो गुस्से में आकर अपने ही कोठे पे रहने वाले तीन लोग, एक कोठी के आपा, दूसरे तबल जी और तीसरे वो सारंगी वाले, उन तीनों को चाकू से मार दिया और वहां से भाग गई। फिर कहते हैं कि नसीबा चुड़ैल बनकर लौट आई उसी हवेली में और आज भी लोगों को बेरहमी से मारती है। शफीक भाई, आप हवेली छोड़कर जा रहे हैं? हाँ, वो बेगम और आदिल की सेहत के लिए एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो जाना ही पड़ेगा। देखिए शफीक भाई, मेरी शहर में बहुत से लोगों से बात हुई, सिर्फ डरावने किस्से और कहानियां सुनने को मिली, सारी अफवाहें। देखिए, उन आवाजों को हमने अपने कानों से सुना है। हमारी बेगम और आदिल ने बहुत कुछ सहा है और उस चौकीदार को भी अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। एटलीस्ट उसे एक वहम कहकर हमारी तोहिन तो मत कीजिए। बिल्कुल नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए, मैं मानता हूं कि आपने चीजें देखी है और आवाजें सुनी है, उस पर कोई शक नहीं है मुझे, पर शायद कोई चाहता हूं कि आप ये आवाजें सुने और चीजें देखें। आपको किसी पर भी शक है जो शायद इस हवेली पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा हो या चाहता हो कि आप इस हवेली में ना रहे? देखिए, कोई भी बिल्डर
इसके बीच में नहीं पड़ सकता, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने खुद इस हवेली को बेचने की काफी कोशिश की है, लेकिन किसी भी बिल्डर ने इसके पास तक आने से इनकार कर दिया था। कोई फैमिली मेंबर इंडिया में? हाँ, हमारा एक चचेरा भाई है, अब्दुल्ला। हम तीनों के अलावा हमारे खानदान में बस वही एक बाकी है। अब्दुल्ला जी, तो आप नवाब शफीक अली के इकलौते चचेरे भाई हैं? जी, और हमें इस बात की खुशी है कि भाईजान भाभी जान और आदिल को लेकर यहां चले आए, वरना यहां तो हमारा अपना कहने वाला कोई था ही नहीं। जी, एक तरह से तो आपके लिए अच्छा ही हुआ, लेकिन अब आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज पे हक कैसे जमाएंगे? अगर शफीक ना होते तो आप ही नवाब होते। देखिए, एक तो हुकूमत का जमाना गया, भाईजान भी अब सिर्फ नाम के ही नवाब हैं, और रही बात प्रॉपर्टी पर हक जमाने की, तो आप देख सकते हैं कि खुदा का दिया सब कुछ है हमारे पास, और फिर हमें और किस प्रॉपर्टी की ख्वाहिश होगी? नसीबा महल। देखिए, उस हवेली से हम कोसों दूर रहते हैं, जिस घर पर पहले से ही चुड़ैल का साया हो, भला कोई उसकी ख्वाहिश क्यों करेगा? आप हमें अकल से पैदल समझते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मगर आप भी औरों की तरह यही मानते हैं कि उस हवेली पर किसी चुड़ैल का साया है? हुजूर, जो हमने देखा है, अगर आप देखते तो आप भी यही कहते। अच्छा, मतलब आपने उस चुड़ैल को देखा है? जी, जब हम 10 बरस के थे तो हमारे अब्बू जान ने हमें बताया था कि वो हवेली हमारे खानदान की जरूर है, मगर हम भूल से भी वहां कदम ना रखें, और रात में तो हरगिज नहीं। हमारे बार बार पूछने पर भी हमें कभी नहीं बताया गया कि हम वहां क्यों ना जाएं। फिर एक रात हम हिम्मत करके उस हवेली में दाखिल हुए, उसके बाद हमने जो देखा। क्या देखा? नसीबा बानो, वो चुड़ैलों की तरह नाच रही थी और हमें मारने के लिए हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम अगर वहां एक पल भी और ठहरते ना, तो हम जिंदा ना बचते। पता नहीं क्यों मुझे अब भी लग रहा है कि आप ही ने इन कहानियों को बढ़ावा दिया है ताकि कोई उस हवेली पर कब्जा ना कर सके। देखिए, पैसों की कमी नहीं है हमारे पास, और अपनी जान की सलामती के लिए हम वहां कदम रखने का इरादा भी नहीं रखते। यहां आसपास कोई मदरसा है? जी। वहां के मौलवी साहब से हम मिल सकते हैं? जी, हम उन्हें यहीं बुलवा लेते हैं। शुक्रिया। मिस्टर शफीक, नवाब साहब, कौन हो तुम? क्या चाहती हो तुम? देखो, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूं। नसीबा, Yeah.
देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बताओ क्या चाहती हो तुम। मौलवी जी, हमारे बुलाने पे आप आए, इसके लिए शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। कि ये क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? जी मैंने शहर में बहुत से लोगों से नसीबा बानों के बारे में किस्से सुने, लेकिन वो सब लोग तो वही बोल रहे हैं जो वो सालों से सुनते आ रहे हैं। कम से कम आप तो हकीकत जानते होंगे कि 50 साल पहले क्या हुआ था। देखिए, अगर लोग कह रहे हैं कि नवाब साहब को नसीबा से इश्क हो गया था, तो बेशक ये सच है। और अगर वो ये कहते हैं कि नसीबा को भी नवाब साहब से मोहब्बत हो गई थी, तो बेशक ये भी सच है। अरे भाई, भरी महफिल में नवाब साहब ने अपनी शाही अंगूठी नसीबा को पहनाई थी और ऐलान किया था कि वो उससे निकाह करने वाले। नसीबा फूले नहीं समा रही थी, वो कहती फिरती थी कि नवाब साहब मेरे होने वाले शोहर हैं। हाँ, मगर लोग तो कहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं, ये सब बकवास है। नसीबा तो यहां तक लोगों से कहती थी कि मैं छोटी बेगम बनने वाली हूं, मैं छोटी बेगम हूं, और इसीलिए नवाब साहब ने उस महल का नाम नसीबा महल रखा था। लेकिन अगर वो इतनी खुश थी तो 3 लोगों को मारकर फरार क्यों हो गई? बरसों से मैं खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं कि नसीबा को अगर नवाब साहब से कोई रंजिश थी तो वो उनका कत्ल कर सकती थी, उनको मार सकती थी, लेकिन नसीबा ने ऐसा नहीं किया। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि साल भर के अंदर अंदर इस वाकये के बाद नवाब साहब का इंतकाल हो गया। शायद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। मौलवी जी, ये तो मैं भी जानता हूं कि नसीबा बानो कोई छुड़ैल नहीं है, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इतना सब कुछ जानते हुए भी आपने ये सब किसी को बताना ठीक नहीं समझा। देखिए, लोगों को दरअसल हकीकत से ज्यादा किस्से कहानियों का जायका पसंद है, और मैंने बताने की कोशिश की मगर किसी ने मेरी बात पर कान नहीं धरा, तो भला मेरा क्या कसूर है इसमें? शुक्रिया मौलवी जी। जी पे क्या कर रही हो? हम आदिल की दवाइयां लेने आए थे और हमें चोट लग गई। या खुदा, ये क्या हुआ? इस हवेली में रहना खतरे से खाली नहीं है, तुम लोगों को यहां से निकलना होगा। चलिए आइए, चलो जल्दी से।
क्या हुआ? उस रात उस कमरे में मैंने जो देखा था वही आज मैंने फिर से देखा। हर रात उस कमरे में उसी पल को दोहराया जा रहा है। मतलब? विक्रांत, मुझे लगता है कि नसीबा के कोठे में जो तीन लोग मरे थे उसमें और नसीबा के गायब होने में नवाब साहब का हाथ है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने तुमसे कहा था ना, उस रात नसीबा मेरी तरफ भाग के आ रही थी, लेकिन उसने मुझे तो देखा ही नहीं। वो उनकी तरफ भाग के जा रही थी जो उस वक्त दरवाजे पे खड़े थे, नवाब साहब। तुमने नवाब साहब को पहचाना कैसे? ठीक से देख नहीं पाई, चेहरा तो बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन एक सेकंड के लिए मैंने किसी को शाही कपड़ों में देखा था, इसीलिए मुझे लगता है कि वो नवाब साहब ही थे। और ये नवाब साहब को हम एविडेंस में कैसे पेश करेंगे? पूछ रहा हूं विक्रांत, प्लीज मेरी थ्योरी पे भरोसा करो। मजाक कर रहा हूं। Thank you.
विक्रांत, विक्रांत, क्या हुआ? विक्रांत, हमें जल्दी से इस दीवार को तोड़ना होगा। क्यों? नसीबा इस दीवार के पीछे है। क्या? तुम्हें कैसे पता? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, लेकिन अभी हमारा इस दीवार को तोड़ना बहुत जरूरी है। पीछे हटो। ये नसीबा है। नसीबा के उस कंकाल को हवेली के पीछे क्यों दफनाया आपने? और आपको कैसे यकीन है कि वो कंकाल नसीबा का ही था? नसीबा कभी भागी नहीं थी, वो नवाब साहब से मोहब्बत करती थी और उनसे निकाह करना चाहती थी। नवाब साहब भी इस बात के लिए राजी थे, लेकिन उनकी बेगम ने ऐसा होने नहीं दिया। पता नहीं आप लोगों को सुन के कैसा लगेगा, लेकिन नसीबा की मौत के पीछे बेगम साहिबा का हाथ था। ये सब आप कैसे जानती हैं? आप हमारे खानदान के बारे में बात कर रही हैं, हम इतना बड़ा इल्जाम कैसे मान लें? आपके पास क्या सबूत है? मैं जानती हूँ अपनी फैमिली के बारे में इस तरह की बात सुनना आसान नहीं है, लेकिन ये बात सच है। बेगम साहिबा ने ही नसीबा को इस दीवार के पीछे चुनवाया था। मिस्टर शफीक, आपने हमें जिस काम के लिए बुलाया था वो हो गया है। अब आप चाहे तो इस घर में रह सकते हैं या कहीं और। आपकी रिक्वेस्ट पे हम आपको एक महीने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जस्ट टू बी श्योर। और जहां तक अदिति ने जो कहा है उसका सवाल है, तो वो भले ही आपके सामने कोई सबूत ना पेश कर पाए, लेकिन ऐसे मामलों में उसका तजुर्बा हमारी सोच और समझ से कहीं बढ़कर है। आई थिंक ये लोग सही कह रहे हैं, हमें यहां से चले जाना चाहिए। आदिल बहुत डर गया है, वो तो अब यहां पर सो तक नहीं पाएगा। कोई भी जगह हमारे बच्चे से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ इतनी दूर आए, और आगे क्या करना है ये हम सोच समझ के डिसाइड करेंगे विद टाइम। लेकिन आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, असल में ये नसीबा की हवेली है। अगर वो जा चुकी है तो दोबारा लौट भी सकती है। अदिति ने जो भी कहा है सोच समझ कर कहा है, अब इसे मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। ख्याल रखिए। थैंक यू। क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। थैंक यू। किस बात के लिए? अंदर तुमने मेरी इतनी तारीफ शो की। तारीफ सिर्फ नाम के लिए नहीं की अदिति, जो भी कहा सच कहा। तुम्हीं ने यह पता लगाया कि नसीबा को बेगम ने मारा था, और तुमने यह भी पता लगाया कि नसीबा एग्जैक्टली किस दीवार के पीछे चुनवाई गई थी। अब जब सभी काम तुमने किया है तो क्रेडिट तो बनता है। आई जस्ट होप कि शफीक ने हमारी बातों पर यकीन कर लिया। खैर, सुरेश सर का कॉल आ रहा है, चलो निकलते। चले। आदिल अंदर कार में सो चुके हैं।